हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बावर्चीज़। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मशरूम की एक नई और मज़ेदार रेसिपी, जिसको आप लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और एकदम डिफरेंट रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मशरूम को कैसे साफ़ किया जाता है, इसकी वीडियो भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मशरूम को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं इसको रफली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मशरूम के 3 से 4 पीसेस किए हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मशरूम को काट लिया है और ना ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। तो सारे मशरूम को काट लिया है, तो इसी के बाद मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये मशरूम थोड़ा सा मतलब हल्का ब्राउन कलर का है और कुछ मशरूम जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, उनमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो वो ख़राब हो जाते हैं। मैं तो उस तरीके के मशरूम की सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही लिया है। दही में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसी के बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़े खड़े मसाले ले लेंगे, 4 से 5 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च, 2 साबित लाल मिर्च और 1 हरी इलायची और 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बड़ी वाली इलायची भी ऐड कर सकते हैं। और सारे मसाले और दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है, दही में जिससे कोई भी गुठली ना रहे, तो अच्छे से हमें इसको चलाते हुए फेंट लेना है और एकदम इसको स्मूथ कर लेना है। तो ये देखिए, सारे मसाले और दही को अच्छे से फेंट लिया है। इसी के बाद इसमें ऐड किया है मैंने 1.5 से 2 चम्मच भर के हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, अच्छे से मिला लेंगे। इसी के बाद सारे कटे हुए मशरूम को ऐड कर लें और इसको अच्छे से दही में मिला लेना है, अच्छे से दही में लपेट लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको साइड में रख देंगे। तो ध्यान रहे, मशरूम को और दही को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे मशरूम में अच्छे से दही चारों तरफ और मसाला लिपट जाए। तो इसको हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, फ्लेम को हाई रखा है। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है, उसको अच्छे से गर्म कर लिया। जितने भी खड़े मसाले निकाले थे हमने, वो सारे डाल देंगे और उनको गोल्डन कर लेंगे। उसी के बाद 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है और भुन जाने के बाद हम सारे मशरूम को ऐड कर देंगे। तो ये देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सारे मशरूम को ऐड कर दिया है जो हमने दही और मसाले में मिला करके रखे हुए थे। और फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम किया हुआ है और मशरूम को हमें इसी तरीके से अच्छे से चलाते रहना है जब तक दही अच्छे से ना पक जाए और मशरूम पानी ना छोड़ दे। और नमक हम इसमें बाद में ऐड करेंगे जब दही सही से पक जाएगी। तो ये देखिए, इसको चलाते चलाते मुझे जो है 2 से 3 मिनट हो गई हैं और मशरूम ने जो है यहाँ पर ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर दें और इसको हमें अच्छे से मिला लेना है नमक ऐड करने के बाद। और इसको हम ढक कर के पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। तो ध्यान रखें, हमें फ्लेम को लो कर देना है और कढ़ाई को अच्छे से कवर कर देंगे। मटर मशरूम तो आपने बहुत बार खाया होगा, लेकिन आप ये मसाला मशरूम भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। और ध्यान रखना है, जब आप दही ऐड कर रहे हो तो दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं ऐड करना है, दही एकदम ताज़ा होना चाहिए। अगर आप खट्टा दही ऐड करेंगे ना, तो सब्ज़ी में खट्टापन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं उभर के आएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कवर कर दिया है और इसको मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट पकाया है अभी, और मैं इसको फिर से चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर पानी छोड़ दिया है दही और मशरूम ने।
तो यहाँ सब्जी में पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज किया है, ढककर के फिर से 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। और आधी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर यूज़ किया है चीनी, तो चीनी आप ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हमने यहाँ पर दही ऐड किया है जिससे सब्जी का जो टेस्ट है उसका बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं मशरूम पक गए हैं या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने मशरूम को चेक किया और मशरूम अच्छे से पक चुका है। तो 8 से 10 मिनट टोटल इस सब्जी को बनाने में लगी हैं। अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी पसंद करते हैं तो थोड़ी इसमें ग्रेवी रखें, वरना तो फ्लेम को हाई करें और सब्जी का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सूख जाएगा। तो पहले मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया और उसके बाद मैंने इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पर पकाया और फिर फ्लेम को हाई किया जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी सूख जाए, क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी थी। तो लग रही है ना कितने डिलीशियस मसाला मशरूम बन करके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।